हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपने किचन में बहुत ही डिलीशियस बांगड़ा फिश फ्राई बनाने जा रहे हैं, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। तो चलिए देख लेते हैं इस फिश को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो मैंने यहाँ पे 3 बांगड़ा फिश लिए हैं। इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। जब भी आप बांगड़ा फिश लोगे तो आप छोटे बड़े जिस भी साइज़ के ले हुए हो उस पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर कितने कट्स लगाओगे। मैंने यहाँ पर 4 से 5 कट्स लगाए हैं, थोड़े से डीप कट लगाए ताकि मसाला जो है वो अंदर तक के अच्छे से चला जाए। अब इस फिश को टेस्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर ले लेंगे 1 टेबल स्पून, साथ ही साथ मैं यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी पाउडर ले रही हूँ। नेक्स्ट मैं यहाँ पे हींग का इस्तेमाल कर रही हूँ। जो बांगड़ा फिश है उसमें थोड़ी सी वॉ स्मेल होती है, इसकी वजह से आप हींग यहाँ पे ज़रूर ऐड करें। नेक्स्ट मैं जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ले लूँगी 1 टेबल स्पून, और यहाँ पे 1 टेबल स्पून लहसुन है जिसको मैंने हल्का सा क्रश कर लिया है। अब यहाँ पे मैं चावल का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। आप सूजी या तो चावल का आटा, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहो कोटिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे इसमें नींबू के साथ साथ कोकम भी ऐड कर रही हूँ, इसके वजह से इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ये फिश खाने में अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पे कोकम जो है अच्छे से पहले भिगो दिया है। नेक्स्ट नमक और नींबू ले लिया है इसमें डालने के लिए, और इसे मैं यहाँ पे कोकोनट ऑयल में बनाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड कोल्ड प्रेस कंपनी का कोकोनट ऑयल इसको यूज़ कर रही हूँ, जो आपको आसानी से अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। अब यहाँ पे इसे 2 मैरिनेशन करने हैं, तो इसकी सबसे पहली जो स्टेप होगी वो होगा नींबू, नमक और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल के इसे अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेना। इसकी अच्छे से मसाज करके इसे एक साइड में रख देना। तब मैंने यहाँ पे ये तीनों भी चीज़ें जो है इसमें ऐड कर ली हैं। इन सबको मैं अच्छी तरीके से यहाँ पे फिश पे अच्छे से रब कर लूँगी। इस तरीके से करना है कि ये मसाला जो है अंदर तक अच्छे से चला जाए। तब तक मैं यहाँ पे जो मैरिनेशन है उसका जो मसाला है वो तैयार कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे सारे जो इन्ग्रीडियंट्स है, जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, जो कोकम है उसको मैं यहाँ पे उसका जो जूस है वो यहाँ पे इसमें ऐड कर दूँगी। नमक हमने वहाँ पे उसमें भी डाला था, तो यहाँ पे मैं बस थोड़ा सा इसमें ऐड करने वाली हूँ, नहीं तो फिर नमक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। और अब मैं इन सबको अपने हाथों से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा और फिश हमारी अच्छे से पहले जो मैरिनेशन है वो मैरिनेट हो जाए, उसके बाद हम यहाँ पर जो दूसरी कोटिंग है वो उस पर लगा देंगे। इस मसाले को हमें यहाँ पे फिश पे अच्छी तरीके से रब करना है, इस तरीके से कि ये जो मसाला है वो फिश में कट्स में अंदर तक के अच्छे से चला जाए और पूरी फिश पे अच्छे से लग जाए। अब यहाँ पे जब आप मसाले को अच्छे से लगा दोगे तो यहाँ पे आपको इसे मैरिनेट करने के लिए कुछ घंटों के लिए रखना पड़ेगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसे डायरेक्टली फ्राई कर सकते हैं, वरना आप इसे जितना ज़्यादा देर मैरिनेट करने के लिए रखोगे उतनी ही ज़्यादा ये फिश टेस्टी लगेगी। तो चलिए अब यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं इसकी कोटिंग तैयार कर लेती हूँ, फिश को रख देती हूँ साइड में। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है, इसमें मैं यहाँ पे चावल का आटा ऐड कर दूँगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया, चावल के आटे के साथ साथ आप सूजी ले सकते हो, अगर आप चाहे तो थोड़ा सा बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप ग्राम फ्लोर इस्तेमाल करोगे यानी कि बेसन अगर इस्तेमाल करोगे तो फिश जो है वो इतनी कुरकुरी नहीं बनेगी, इसलिए यहाँ पर मैं बस चावल का आटा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे फिश को हम यहाँ पे चावल के आटे में अच्छी तरीके से कोट कर लेंगे इस तरीके से, और मैं इसे यहाँ पे साइड में रख देती हूँ और चलते हैं इसे फ्राई करने की तरफ। तो मैं यहाँ पे इस तरह से लोखंड के जो तवा है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो नॉनस्टिक पैन भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ऑयल इसमें ऐड कर दूँगी। मैंने आपको जैसे कि बताया मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल में इसे फ्राई कर रही हूँ, इसके वजह से ये और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। जैसे ही ऑयल अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा उसमें मैं यहाँ पर हींग ऐड कर दूँगी। हींग का एक बहुत ही अच्छा सा टेस्ट, एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर इस फिश में आ जाता है, और इस फिश की जो थोड़ी सी वॉ स्मेल होती है वो भी चली जाती है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे इसमें जो लहसुन हमने क्रश करके रखा हुआ था उसको ऐड कर देंगे। लहसुन हमें यहाँ पे जो डालना है वो इसका रीज़न है कि ये जो लहसुन है तेल में अपना जो फ्लेवर छोड़ता है उस वजह से ये फिश खाने में और ज़्यादा टेस्टी लगती है। और जो कोकम का जूस हमने डाला है, जो हींग हमने डाली है, उसके वजह से ये फिश ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो मैंने यहाँ पे इन सबको अच्छी तरीके से डाल के फिश को दोनों साइड से अलट पलट के मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छे से गोल्डन यहाँ पर फिश हमारी फ्राई हो चुकी है। मैं यहाँ पर फिश को तवे से निकाल लूँगी और इसे यहाँ पर मैंने सर्विंग प्लेट में सर्व कर दिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस हमारी जो फिश है बनकर के तैयार हो चुकी है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत आसान है बनाने में और बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो आज की रेसिपी बनके तैयार है, कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।